अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं बना रही हूँ व्लॉगिंग से रिलेटेड। एक्चुअली काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि आप हमें गाइड करें, आप हमें कुछ सजेस्ट करें, आप हमें कुछ टिप्स दें कि किस तरह से व्लॉगिंग होती है, क्या होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस मैं रिसीव कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं वन बाय वन जो है थोड़े से टाइम में कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लूँ। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर मेरी वजह से किसी का भी फ़ायदा हो जाए, किसी को भी थोड़ी सी अगर मोटिवेशन मिले, तो आई थिंक मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ डायरी पे कुछ चीज़ें लिख ली हैं क्योंकि फिर बातें करती हूँ ना मुझे बिल्कुल भूल जाता है, तो मैंने सोचा कि चलें मैं सारे नोट डाउन कर लेती हूँ, अगर बातों के दौरान मुझे भूल भी जाएँ तो हम उनको कवर कर लेंगे। अच्छा जी, एक तो कल मैंने पोस्ट डाली थी अपनी कम्युनिटी पे और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे, तो मैं आज सिर्फ व्लॉगिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही कवर करूँगी, मैं बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि टॉपिक यही है तो फिर इंसान टॉपिक से इधर उधर हो जाता है। वो हम एंड में इंशाल्लाह ताला, वो मैंने नोट डाउन किया सब बताऊँगी। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन कि व्लॉगिंग क्या है। आप जब भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो उसमें ये होता है कि कन्फ्यूजन होती है, बहुत सा दिल चाहता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स का कि अब क्या करें, किस तरह करें। तो ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ। तो जब भी हम कोई चैनल स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि अब किस चीज़ का चैनल स्टार्ट किया जाए, किस तरह किया जाए और क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा सलून था काफ़ी 8-10 साल, 10 ईयर्स से ज़्यादा ही थे। तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि आप ब्यूटी का कर लो, फिर मुझे सबने कहा नहीं आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, आप कुकिंग से रिलेटेड कर लो, लेकिन मुझे ना व्लॉगिंग अच्छी लगती है। मैं बहुत अरसे से व्लॉगिंग देख रही हूँ और ये जो मेरा चैनल है मैंने 2013 में बनाया था, 2013 में मुझे तब से इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। व्लॉगिंग तब इतनी आम कॉमन नहीं थी, लेकिन ये था कि मुझे शौक़ था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, लेकिन फिर जॉब में और अपनी लाइफ की थोड़ी सी मसले मसाइल में मैं नहीं कर सक रही थी। तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था जुलाई के फर्स्ट वीक में और मुझे फिर अच्छा ये लगा कि नहीं व्लॉगिंग करनी चाहिए मुझे, मैं जो भी कर रही होती हूँ तो उसको मुझे दिखाना चाहिए। व्लॉगिंग बेसिकली ना जिसको भी ये है कि अगर सेम रूटीन है या इसमें क्या ख़ास है कि हम भी खाना बनाते हैं, हम भी बर्तन धोते हैं, ये सब, तो बेसिकली व्लॉगिंग इसी का नाम है। आप कहीं जाते हो तो आप व्लॉगिंग करो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड करो, घर के काम दिखाओ, किसी फूड के रिव्यूज़ दो, आप खुद जो स्टोरी टेलिंग करते हो ना, जो आप बताते हो या साथ साथ आप लोगों को सजेस्ट करते हो, रिव्यूज़ देते हो, वो सब आपका व्लॉगिंग में आ जाता है। तो मुझे पर्सनली जो पसंद है, मुझे पसंद है डेली लाइफ की व्लॉगिंग। मैं जो कर रही होती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं नाइट ड्रेस में होती हूँ, मैं ट्राउज़र शर्ट में होती हूँ, बिस्तर से उठ के आती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, आपको मैं दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ कि नाश्ता बन रहा है, ये हो रहा है, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। हालांकि अब इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग भी वही काम करते हो जो मैं करती हूँ, मैं तो ये कभी नहीं कहती कि मैं कुछ सुपीरियर करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये होता है कि व्लॉगिंग आजकल बहुत कॉमन है और बहुत पसंद की जाती है, फॉरेन में भी, इंडिया में भी, हमारी भी, हर कंट्री में इस तरह चल रही है। तो इसलिए मैंने चूज़ की व्लॉगिंग। आई होप कि अब ये व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड कि चूज़ कौन सा करना चाहिए टॉपिक, व्लॉगिंग करते हुए ना आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो। अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं डेली लाइफ दिखाऊँ, कुछ भी उसमें होता है, खाना खाने जाती हूँ, कपड़े लेने जाती हूँ, कपड़े वॉश कर रही होती हूँ, झाड़ू लगा रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी अगर आपको मतलब मेकअप के प्रोडक्ट्स का, मेकअप का शौक है, आप उसके बारे में वीडियोस बनाओ, अगर आपको कुकिंग का है आप उसका बनाओ, क्योंकि अगर आप अपने शौक से काम नहीं करोगे ना तो आपका चैनल कभी भी नहीं चल सकता। मैं आपको एंड में इसकी टिप्स कुछ दूंगी, अभी मैं आपको सिंपल मेन मेन बता देती हूँ। इसके बाद आ जाता है कि आपके पास कैमरा नहीं है, कैसे शूट करें, किस तरह शूट करें। तो
मैं अभी भी मोबाइल से शूट करती हूँ, मेरे पास भी कैमरा नहीं है। मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 2013 में या 12 में, मुझे याद नहीं है, ऐसे ही मैंने DSLR लिया था अपना, मेरा सलोन था ना तब, तो मुझे पिक्चर्स वगैरह लेनी होती थी, ब्राइड्स होती थी, मेकअप होता थोड़ी सब कुछ, तो मैंने तब अपना DSLR कैनन का लिया था, और तब भी वो काफ़ी कॉस्टली आया था, उस टाइम पे लिया था। उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि DSLR कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैंने जस्ट लिया कि बस मुझे तो पिक्चर्स लेनी होती हैं अपनी ब्राइड्स की और मेकअप की, और ये तो मैंने तब ले लिया था। अब मुझे आके ये फील होता है कि उसमें तब वीडियो नहीं बनती थी, और मैंने कहा वीडियो का मैंने क्या करना है, कि बस मुझे पिक्चर्स ही चाहिए तो मैं पिक्चर्स के लिए ले लेती हूँ। तो अब जब मैंने स्टार्ट किया अपना चैनल, तो मैंने ये देखा कि कैमरा तो मेरे पास नहीं है, तो फिर मेरे पास मोबाइल है हवावे का, जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किससे वीडियो शूट करती हैं आप, किससे बनाती हैं, मैं अपने मोबाइल से बनाती हूँ, मैं अभी भी अपने मोबाइल से बना रही हूँ। आप ये देख रहे हो तो मेरा हवावे का ऑनर है, 6X है, X6 है आई थिंक, हाँ, तो मेरा यही मोबाइल है, मैंने लिया था लास्ट ईयर लिया था मैंने, और मैं इसी से सारी वीडियो शूट करती हूँ और इसी से बनाती हूँ। मेरे पास कोई लाइटनिंग नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, घर में किचन में बना रही हूँ तो मैं कौन सा सेटअप लगाऊँ, तो मैं उसी से बनाती हूँ। अच्छा, अब मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे सब कहते थे कि आपका चैनल नहीं चलेगा, आपका चैनल नहीं चलेगा। तो YouTube ने ना अब थोड़ा सा क्राइटेरिया सख्त कर दिया है। पहले ये होता था कि आप जैसे ही अपनी वीडियो स्टार्ट करते थे, जो भी करता था, तो फौरन ही उनकी मोनेटाइजेशन ऑन होके उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। अब इस तरह है कि इन्होंने ये स्टार्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रही हूँ, 4000 घंटे, और उसके साथ 10,000 व्यूज थे, 4000 घंटे वॉच टाइम था, और 1,000 सब्सक्राइबर थे। जब ये आपके पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, और फिर उस रिक्वेस्ट के बाद भी 1-2 महीने लगते हैं, मतलब कि आपका पिन कोड आता है और ये सब कुछ प्रोसेस चलता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में किया था, और दिसंबर के एंड में आया था कि आपकी अप्रूव हो गई है, और मुझे मतलब कितने 6-7 months हो जाते हैं आई थिंक, तो मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली, मतलब 7-8 महीने मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिली। और मैं इतने शौक से व्लॉगिंग करती थी, मैं जॉब करती थी, आपको मैंने बताया था मैं टीचिंग करती थी, और उस टीचिंग में मैं जब वापस आती थी, मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग करती थी। बहुत सारे मुझे तब कमेंट्स आते थे कि आप सिर्फ कुकिंग क्यों दिखाती हैं, या आप कुछ चेंज क्यों नहीं दिखाती। तो तब ये था कि मैंने शौकिया ही शुरू की थी, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता था, मैं जॉब करती थी, और जब आती थी तो घर के काम भी मुझे अकेले देखने पड़ते थे, मैं अकेली ही रहती थी, तो मेड आती थी, सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, बस चली जाती थी, बाकी सब कुछ छोटा मोटा काम, कुकिंग सब मुझे खुद करना होता था। तो मेरे पास फिर जितना टाइम होता था ना, मैं उसमें व्लॉगिंग करती थी, और मोस्टली मैं कुकिंग की ही करती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, भाग दौड़ में होती थी, तो मैं थोड़ा सा कम शूट करती थी। लेकिन यह है कि मैंने तब भी साथ साथ जारी रखा, एफर्ट जारी रखी, और मैं अभी आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, लड़कियाँ हैं, जो कि ये कहती हैं कि हम अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे मैनेज करें, मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, बहरहाल ये तो एक लंबी कहानी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, इस पर एक नई वीडियो, एक और वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बहरहाल मैं करती रही। अब आ जाते हैं कि आप को मैं सिंपल एक टिप्स बता दूं, आप एक चैनल के लिए जो है ना, पहले सिलेक्ट करो आपने क्या करना है, ब्लॉगिंग करनी है, आपने कोई और टॉपिक चूज करना है, आपने ये करना है। सेकेंड ये कि मोबाइल से ही आप बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कैमरा लो इतने महंगे महंगे, लाख के या 50,000 का, 1,00,000 का, 1.5 लाख का, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं भी अभी तक स्टिल मोबाइल से बना रही हूँ। थर्ड ये कि आपको सिर्फ दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होंगी, ट्राईपॉड। मैंने तो इतने ट्राईपॉड तोड़े, ये जो मैं शूट कर रही हूँ ना इससे, ये मेरा बड़ा वाला ट्राईपॉड है, और ये मैंने, ये भी टूटा हुआ है, ये भी मैंने तोड़ा था, मुझे शूट आता ही नहीं था तरीका कैसे करना है, कभी इधर से किया कभी उधर से किया। और मिनी ट्राईपॉड तो मैं बहुत सारे तोड़ चुकी हूँ, काफ़ी बार मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग रिव्यू कर चुकी हूँ, कितने तोड़ चुकी हूँ और कितने, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी में ब्लॉगिंग कर रहे होते हो ना, तो बस हाथ लगा गिर गया, कभी हाथ लगा टूट गया, कभी क्या हो गया, तो ये सब चलता रहता है। ट्राईपॉड आपकी, आपको ज़रूरत होंगे, आप कोशिश करो कि एक मिनी ट्राईपॉड और एक आप ये ले लो, बड़ा वाला जो होता है आपका ये वाला ले लो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये आपने वीडियो शूट कर ली, सब हो गया, अब आ जाता है एडिटर कौन सा आप यूज़ करोगे। मैंने तकरीबन 7-8 महीने
या 6-7 महीने, मतलब अभी मैंने लैपटॉप पे काम स्टार्ट किया. मैं काइन मास्टर से ही अपनी एडिटिंग करती थी और बहुत सारे अच्छे एडिटर हैं. काइन मास्टर से बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है. ये है कि वाटर मार्क ऊपर आता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा तभी वो रिमूव होगा, वरना आप उसी पे ही करो. मैं भी इतना अर्सा करती रही हूँ. मोस्टली जो व्लॉगर्स हैं, जो नए आ रहे हैं, जो चैनल्स बन रहे हैं, वो सब इसी में एडिटिंग होती है. और क्योंकि वो इजी है यूज़ करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो. और मैं पहले, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, एडिटर बताएं. मैं पहले काइन मास्टर में करती थी, अब मैं फिल्मोरा में करती हूँ. फिल्मोरा के लिए ये है कि आप अगर डाउनलोड करते हो तो आपको पे करना पड़ता है. वो जब आप डाउनलोड करोगे उसके साथ ही उसका सारा प्रोसीजर आ जाता है, वो आपको पे करना पड़ेगा फिल्मोरा का. लेकिन ये आप तब करना कि जब आपका चैनल अच्छी तरह चल जाए, तो उसके बाद. अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जब आप वीडियो बनाते हो, एक और चीज़ मैंने इसलिए लिखी हुई है, मुझे भूल जाती है, साथ साथ फिर मैं आपको गाइड कर दूँ. जब आप वीडियो बनाते हो ना, कोशिश करो HD क्वालिटी में बनाओ और HD क्वालिटी में ही अपलोड करो. तो मेरी वीडियो इसलिए भी अच्छी आती है कि मैं वीडियो की क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. और कभी भी मैं ये नहीं कहती कि बस कम साइज़ में हो, जल्दी हो जाए. मैं, आप यकीन करें कि जब मैं अपनी वीडियो लाहौर से अपलोड करती थी ना, मतलब मैं 3000 का पैकेज भी कराती थी अपनी डिवाइस में, और वो मेरा 10 डेज भी नहीं चलता था. 1 GB की, 1.5 GB की वीडियो होती थी और मेरा ऐसे जाता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी. उस टाइम पे तो खैर ये होता था ना कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती थी, लेकिन एक दिन छोड़ के या मैक्सिमम 2 दिन बाद तो मैं लाजमी करती थी. और मैं आपको मोटिवेशन के लिए एक और चीज़ बताऊं कि मुझे सब ने कहा था कि कोई YouTube पे नहीं होता, इतना ज़्यादा टारगेट है, क्या चलेगा, क्या ये वो. तो जब भी आप अपना चैनल स्टार्ट करो ना, तो आपको सबसे पहले घर वालों की सपोर्ट चाहिए. मेरे लिए बिगेस्ट सपोर्ट जो रही है, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर. मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी भी कहते हैं, मरियम तुम्हें शौक़ है, तुम जो कहो मैं तुम्हें लेके दूंगा, तुम करो, तुम्हें शौक़ है ना, तुम खुश हो ना, ठीक है तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, मैं पहले भी और अब भी, अब मैं आपको बताती हूँ कि सीक्रेट क्या है जो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, इतनी चलती हैं. एक तो मैं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक वीडियो की एडिटिंग पे लगाती हूँ. कैन यू बिलीव, आपको शायद यकीन भी ना आए. वीडियो तो बन जाती है, ठीक है, काम कर रही हूँ, बना ली मैंने, उसके बाद जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो वीडियो को, आपको अगले को कैसे जाके वीडियो अच्छी लगेगी, उसमें म्यूज़िक कैसे आप डालोगे. म्यूज़िक जो है वो मैं मोस्टली लेती हूँ, यूट्यूब का अपना म्यूज़िक है, जो आप चैनल बनाओगे तो उनकी ऑडियो लाइब्रेरी में आपको मिल जाता है. तो मोस्टली मैं वही डालती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई और म्यूज़िक डालोगे तो फ़ौरन से कॉपीराइट आपको क्लेम आ जाता है या स्ट्राइक आ जाती है. तो मैं इसलिए म्यूज़िक यूट्यूब का ही मोस्टली लेती हूँ. तो मैं उसके बाद भी ना, जो वीडियो बन जाती है, कितनी बार होता है कि उसके बाद फिर मैं 10 टाइम्स उसको देखती हूँ बैठ के, अच्छा ठीक बनी, अच्छा कुछ ख़राब तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है. कितनी बार मैं YouTube पे अपलोड करने के बाद भी उसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था. आप अगर 10 से 15 मिनट्स की वीडियो देखते हो ना, उसमें सोचो 10 घंटे की, 8-10 घंटे की मेरी मेहनत डेली की होती है. अब जब मैं जॉब नहीं करती ना, मैं सुबह नाश्ता करने के बाद, मुझे एक ही माइंड में ये होता है कि नहीं, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे होंगे, मुझे जो है वो वीडियो अपलोड करनी चाहिए. और मैं ना भी करूँ तो कोई मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये है कि बस मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग वेट करते हो और आप वीडियो देखते हो, आप खुश होते हो, मुझे दुआएँ देते हो. तो यूट्यूब ना एक नशा है. अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि हम चैनल बनाएंगे और हमें पैसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे मेरी लास्ट पेमेंट लास्ट मंथ मिली थी और वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, इससे ज़्यादा तो मेरी अपनी सैलरी है. इतने मेरे हस्बैंड मुझे वैसे ही दे देते हैं, मंथली देते हैं, वो अभी भी देते हैं, जब मैं जॉब करती थी वो तब भी मुझे देते थे. तो अगर आप सिर्फ अर्निंग के लिए आना चाहते हो, तो मैं ये फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने यूट्यूब के साथ अपने व्यूवर्स को भी प्यार जो है उनका देना होता है, उनके साथ अपने कमेंट्स पे भी इन टच रहना होता है, और ये सब चलता रहता है. और देखो, अगर आप वीडियो शाउट आउट दो, आप हमें प्रमोट करो, इस तरह के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा मुझे इंस्टा पे और यूट्यूब पे आते हैं. ठीक है, मैं आपको एक दिन कर दूंगी, उसके बाद अगर आप अपनी डेली या फिर आप वीकली 2 वीडियोज़ भी डालते हो, तो अगर आप नहीं अच्छी डालोगे या अगर आपके इंट्रैक्शन अपने व्यूवर्स के साथ नहीं होगा, तो कैसे चलेगा आपका चैनल. चैनल ग्रो करने के लिए मेरा कोई मैजिक नहीं हुआ, मैंने बहुत एफर्ट किया है, मैं स्टिल एफर्ट करती हूँ. अगर आप मेरे घर आए ना, तो आप देखें कि मैं सारे घर का काम भी खुद करती हूँ, उसके बाद सारा टाइम मेरा यूट्यूब को होता है. मैं एडिटिंग करती हूँ,
बाहर आने जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ नहीं, पहले मेरा वीडियो अपलोड हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी वरी होती है, नहीं पहले मैं अपलोड कर लूँ फिर कहीं जाऊँ, तो ये आपने मैनेज करना होता है। और जो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं तो यकीन करें वो सब एफर्ट करती हैं, कोई भी ऐसे नहीं ऊपर आता, और बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत महीनों की मेहनत होती है। मैंने अपने माइंड में एक चीज़ रखी हुई थी कि एक साल तो मेरा होगा ग्रो करने के लिए, मैंने उसमें करना है। वीडियोस डालती रही, करती रही, एफर्ट करती रही, कितनी बार अपनी गलतियों से मैं सीखी। और आप लोग कहते हैं कि हम कैसे शूट करें, क्या करें, एडिटिंग कैसे करें, तो हर चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है। मुझे किसी ने नहीं गाइड किया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने शाउट आउट नहीं दिया, किसी ने मुझे इस तरह से नहीं किया, सब कुछ मैंने YouTube पे ही सीखा है। किस तरह से वीडियो एडिट करते हैं, किस तरह से म्यूज़िक डालते हैं, काइन मास्टर आप डाउनलोड करके देख लो कि क्या क्या होता है, मैंने सब यहाँ से सीखा। और मैं आपको मैसेजेस में या कमेंट्स में सिखा भी नहीं सकती हूँ, आपको ट्यूटोरियल देख के सीखना होगा। आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, उसको डेली या एक दिन छोड़ के या वीक में दो, जैसे आपका बनता है आप उसको अपलोड करते जाओ। और इस चीज़ को छोड़ दो, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एज अ यूट्यूबर, चाहे मैं हूँ, जितने भी हैं हमारे यूट्यूबर्स हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, उनको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और वो है नेगेटिव कमेंट्स। अगर आप YouTube पे आ रहे हो ना तो आपको बहुत सब्र चाहिए, पेशेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग आते हैं, आप सोचो आप इतनी मेहनत करके 6 घंटे या 10 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाते हो, डेली बनाते हो, उसके बाद कोई आके आपको कुछ भी कह के चला जाता है। देखिए, सजेशन सर आँखों पर, कोई आपको कमेंट्स करता है, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है, हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमें भी इसलाह की ज़रूरत हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल। ये बात नहीं होती कि हाँ हर यूट्यूबर को ये बुरा लगता है कि आपको कोई इसलाह करे या कमेंट करे या आपको बताए कि आप बुरा है। मैं तो उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अगर कोई मुझे कह रहा है कि आप इस तरह नहीं, अच्छा आप ऐसे करो, अच्छा आप वो भी ट्राई करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा चले मैं इस बार जाके देखूंगी, इस बार मैं लेके देखूंगी, और मैं उसको लेती भी हूँ, मैं करती भी हूँ। ये होता है पॉजिटिव सजेशंस आती हैं आपके पास, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ भी कोई करता है, मैं पॉजिटिव लेती हूँ। एक आ जाते हैं इंतहाई गंदे कमेंट्स, आपके घर वालों को लेके, आपकी शक्ल को लेके, आपकी फिजीक को लेके, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ में आप बर्दाश्त ही ना कर सको, और कोई आके आपको बस आता है इस तरह बोलता है और चला जाता है। तो अगर आप उस पर रिएक्ट करोगे ना, आपका पूरा दिन ही आपका मूड ऑफ रहेगा, आपके घर वालों के साथ भी ऑफ रहेगा। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, इंसान को बहुत गुस्सा आता है और बहुत ये होता है कि ये क्या इतनी गंदी लैंग्वेज और अब्यूजिंग, अजीब सी कोई होता है कुछ, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। और बाद में ये होता है कि इंसान को थोड़ी सी आदत हो जाती है, फिर इंसान कहता है क्या इन लोगों को बंदा जवाब दे और कहे। और कभी आप गलती से उनको कह दो ना कि आप क्या कह रही हैं या क्या आपने कहा या कुछ, उसके बाद जो फिर कमेंट्स आएंगे, आप बदतमीज़ हैं, आप रूड हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, आपका पूछना गुनाह हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव जो कमेंट्स हैं या हेट कमेंट्स हैं, ये एक फैक्ट है यूट्यूब का। तो ये लोग आते हैं और ऐसे लोग, इनकी आदत होती है, पता नहीं अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं, अल्लाह ही इनको जो है हिदायत दे। अच्छा, क्वेश्चंस, चैनल कैसे ग्रो किया जाए, ये आए थे जो कल मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी। चैनल ग्रो करने के लिए आपको सिर्फ अच्छी वीडियो बनाए, उसको अच्छा एडिट करें और उसको आप अपलोड करते जाएं, वेट करें, आएंगे, अच्छा काम है, ज़रूर आपका चैनल ग्रो होगा। और व्यूज़ कैसे आएंगे, डेफिनेटली एक बार जब आपका अच्छा काम होगा, कोई एक बार देखेगा तो वो औरों को सजेस्ट करेगा, उसके बाद जब आपका काम अच्छा होता जाएगा तो फिर यूट्यूब जो है ना वो आपको खुद भी प्रमोट करता है। आपकी जो मतलब उनकी लिस्ट होती है, जो हम कुछ सर्च करते हैं, सर्च इंजन होता है, मैं आपको इजीली वर्ड्स में बता दूँ, तो उसमें खुद ही आपकी वीडियोज़ यूट्यूब सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अर्निंग, मैंने आपको बता दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ज़्यादा जितना भी है, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे बस एक नशा है कि वीडियोस बनानी है, व्लॉगिंग करनी है, आप सब देखते हो, आपका इतना प्यार मिलता है, इतनी दुआएं मिलती हैं ना कि बस मैं सीरियसली नो वर्ड्स। अच्छा, और मेरी ना मदर भी देखती हैं, मेरी सास भी देखती हैं, और मुझे ये कहा जाता है कि मेरी अम्मी एक दिन मुझे बैठ के कह रही थी कि देखो कितना सब तुमसे प्यार करते हैं, कितनी दुआएं देते हैं तुम्हें सब, किसी की तो दुआएं तुम्हें ज़रूर लगेंगी ना। तो उस टाइम ना मेरी आंखों में आंसू आ गए, सीरियसली, मतलब अभी भी स्टिल ना
मतलब इतना आपको प्यार मिलता है ना सबका, उसमें अगर आपको 99% प्यार मिल रहा है और एक दो आपको अगर नेगेटिव कमेंट्स आ भी जाते हैं तो ठीक है, उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं ऐसे कमेंट्स तो अक्सर डिलीट कर देती हूँ, या बहुत ज़्यादा कोई अब्यूजिंग हो तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे नेगेटिविटी ना अपनी लाइफ में चाहिए ना अपने चैनल पर चाहिए। मैं पॉजिटिव लोगों के साथ, जो मेरे सराउंडिंग्स में मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और कुछ हेल्प भी मिली होगी। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन यह है कि घर वालों की आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से करें, एक ट्राईपॉड ले लें और मोबाइल पे ही एडिटिंग करें। उसके बाद प्लीज़ आप लोग खुद एफर्ट करें, आप जिस तरह अच्छी वीडियो बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, खुद ही आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे और इंशाल्लाह आपका चैनल भी ज़रूर ग्रो करेगा। तो इसमें कोई ख़ास मैजिक नहीं है, कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत और कुछ भी नहीं। तो होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग तो मेरा चैनल है ही, लेकिन उसके साथ कुछ मुझे और भी व्यूवर्स देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी बनाऊंगी, साथ साथ ये सब चलता रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं आप सबके साथ बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़ मुझे याद आ गई, आप क्या क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह कमिंग डेज में फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।